हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लोरियल के दो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का एक साथ में रिव्यू। वैसे मैं इन दोनों का रिव्यू अपने चैनल पे सेपरेटली भी डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे यानी फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया था लोरियल का, दिस वन लोरियल रैबिट लिप 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम, इसको मैंने 21 डेज तक अप्लाई किया था, 21 डेज का चैलेंज लिया था और पूरे वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि मेरी स्किन पे कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, पूरा लाइव रिजल्ट मैंने शो किया था। तो इसका रिव्यू करने के बाद जब लोरियल ने ये नया लॉन्च किया था ये हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम का, तो इसकी भी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी आई थी कि दी इसको यूज़ करके इसका रिव्यू शेयर कीजिए। तो इसको भी गाइज मैंने तसल्ली से यूज़ किया था और उसके बाद अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो दोनों रिव्यू मेरे नॉन स्पॉन्सर्ड थे, ब्रांड ने मुझे कोई प्रोडक्ट्स नहीं भेजे हैं या पेड प्रमोशन नहीं है मेरा, नॉर्मल न्यू लॉन्च था, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने अच्छे से यूज़ करके अपना जो एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। बट अभी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि दी काफ़ी वीडियोज़ में हम देख रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ में यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए कि क्या लिटरली इन दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हैं क्या, दोनों का रिजल्ट साथ में यूज़ करने से अच्छा आएगा क्या। तो मैंने फिर फाइनली इन दोनों की अगेन बॉटल्स परचेज की, जस्ट बिकॉज की जो पहले मैंने परचेज किए थे वो फिनिश हो गए थे, तो मैंने अगेन नए प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और मैंने छोटे ही मंगवाए फिर से, जस्ट बिकॉज कि यार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं और हम लोगों का काम यही है कि यार वापस से रिव्यू करो, प्रोडक्ट्स मंगाओ, तो सारे बड़े बड़े बॉटल्स मंगा लेंगे तो फिर नए प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करेंगे। तो इनको भी गाइज यूज़ करते हुए मुझे 20 डेज हुए, आई थिंक 2 वीक से ऊपर ही हो गया है, ऑलमोस्ट 3 वीक कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ जेन्युइनली शेयर करने वाली हूँ कि दोनों को आपको साथ में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट गाइज पहले थोड़े से डाउट्स है लोगों के हाइलुरोनिक एसिड को लेके, क्या लिटरली कैसे काम करता है या इसको यूज़ करना सेफ है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कौन सी एज को यूज़ करना चाहिए, आफ्टर 20 ही आपको हाइलुरोनिक एसिड सीरम या क्रीम जो भी है वो लगानी चाहिए। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं दीदी मेरी एज 18 है, मेरी 16 है, मैं यूज़ करूँ या नहीं करूँ। देखिए हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन खुद से बिल्डअप करती है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड रहता है, बट एक एज के बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आफ्टर 20 मान के चलते हैं कि वो एकदम राई जितना दाना होता है ना, उस अकॉर्डिंग थोड़ा 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 बॉडी से कम होने लगता है। तो जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है हाइलुरोनिक एसिड आपकी बॉडी से कम होने लगता है, और बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड करता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, आपके जो स्किन के अंदर टिश्यू है उसके अंदर वाटर का जो लेवल है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आपकी स्किन ड्राई नहीं लगती है या फिर जो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है वो नहीं होती है, स्किन में एक प्लमनेस रहती है, रेडिएंट ग्लो रहता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलते हैं हाइलुरोनिक एसिड के कारण। तभी जैसे हमारी एज 18-20 होती है स्किन काफ़ी हमारी सॉफ्ट लगती है, बच्चों की स्किन आप देखो कितनी सॉफ्ट प्लम हाइड्रेटिंग लगती है, जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छे लेवल में होता है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो हाइलुरोनिक एसिड कम होता है, दैट्स वाई कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ऐसा यूज़ करना चाहिए, चाहे वो सीरम हो या क्रीम हो या फेस वॉश हो, जिसके अंदर की हाइलुरोनिक एसिड रहे और आपकी स्किन के अंदर वाटर लेवल मेंटेन रहे, मॉइस्चर लॉक होके रहे आपकी स्किन का, ताकि आपकी स्किन रेडिएंट एंड ग्लो लगे। आई होप कि जो भी आपका डाउट है इस सारे जो ज्ञान मैंने दिया है उसके अंदर कवर हो गया होगा कि बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड वर्क कैसे करता है। एंड एक और डाउट आता है गाइस कि इसको यूज़ करने के बाद स्किन पर रिएक्शन तो नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ जितना सेफ एक्टिव ये है हाइलुरोनिक एसिड, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा सेफ आपको कोई भी एसिड या इंग्रेडिएंट मिलेगा, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। मैंने अच्छे से यूज़ किया है, दो मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, बट लाइक मुझे जब अगर एक्ने भी हुआ है ना तब भी मैंने इसको यूज़ किया है, मेरी स्किन पे एज सच ड्राइनेस, इचीनेस या फिर मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रेडनेस हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इजीली आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सेफ इंग्रेडिएंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्किन टाइप्स के लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए अभी बात करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स की। तो इनकी डिटेल मैं ऑलरेडी अपने सेपरेट वीडियो में दे चुकी हूँ, फिर से रिपीट करने से कोई भी मतलब नहीं है। बात करते हैं कि इनको साथ में यूज़ करने के बाद कैसा रिजल्ट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ मेरी जो स्किन है दैट इज़
थोड़ी सी ऑयली है। तो जब मैंने इसका लोरियल का ये हाइलोनरिक एसिड सीरम यूज़ किया था तो मेरे को जब मैंने इसको फर्स्ट भी यूज़ किया था तो मेरे को मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई ड्राई लगती थी। आई डोंट नो कि ये स्किन को इसका काम है मॉइस्चर को लॉक करना, उसके बाद भी स्किन को ड्राइनेस कैसे कर रहा था, बट इसको लगाने के बाद आपको लिटरली फील होता है कि एक मॉइस्चराइजर की नीड है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो फॉर्मूला है वो स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी, स्किन पे जाके चिपकता नहीं है, बहुत जल्दी से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन में लाइक आपको लगता भी नहीं कि आपने कुछ लगाया है, बहुत लाइट फील होता है। तो इसको लगाने के बाद मुझे एक लिटरली मॉइस्चराइजर की नीड होती थी। तो अगर आप कोई सीरम हाइलोनरिक एसिड वाला यूज़ कर रहे हो बट अगर आप इसके साथ हाइलोनरिक एसिड जेल क्रीम भी यूज़ करते हो तो उसका आपको डबल बेनिफिट मिलता है, लाइक वो आपकी स्किन के अंदर एम्पलीफाई हो जाता है, डबल बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। जब भी मैं इसका सीरम यूज़ करती थी मुझे एक अच्छी सी क्रीम लगानी होती थी, तो जब इसका ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इन दोनों को मैंने साथ में पेयर किया अपनी स्किन पे, यू कांट इमेजिन गाइज, इतना बटरी फॉर्मूला है इसका, बहुत सुपर फॉर्मूला है ये, तो स्किन के अंदर बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया है, बट इसको यूज़ करने के बाद स्किन पे इतना अच्छा फील होता है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि एकदम वेलवेट टेक्सचर हो गया आपकी स्किन का। तो ये जो सीरम है उसके साथ अगर आप ये वाली क्रीम लगाते हो तो आपकी स्किन पे हाइलोनरिक एसिड का डबल इम्पैक्ट गिरता है और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा प्लम, स्मूथ एंड बहुत सफल लगती है यार, आई कांट इमेजिन। आप ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिए दोनों प्रोडक्ट को, कि जब भी आप सीरम लगाते हो ना आपको मॉइस्चराइजर क्रीम लगानी होती है, तो सेम ब्रांड की सेम एक्टिव की अगर आप कोई चीज़ लगाओगे तो उसका बेनिफिट तो आपको डबल मिलेगा ही, बट इसका जो ड्रॉबैक था कि स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है, तो ये इसका फ़ायदा था कि इसी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती है। और मोर ओवर अगर आपकी ऑयली स्किन है ना फिर भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो, ऑयली स्किन वालों को भी ये बहुत अच्छी लगेगी, मेरी खुद की ऑयली स्किन है मुझे लिटरली काफ़ी अच्छी लगी, बट लिटरली इन दोनों को आप साथ में यूज़ करोगे ना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने खुद ने यूज़ किया है इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपकी एज 30+ हो गई है तो फॉर श्योर आपको ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करने चाहिए, अगर आप दोनों नहीं यूज़ कर सकते हो तो आपको ये सीरम तो ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए आपकी स्किन में, आपको विद इन 1 मंथ में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी 5 या 7 डेज में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, लेकिन यस 15 से 20 डेज के बाद आपको खुद को एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसको गाइज मैंने मॉर्निंग में भी अप्लाई किया है, नाइट में भी अप्लाई किया है, बट इसकी जो क्रीम है इसके अंदर एज सच कोई भी SPF नहीं है, तो आपको इसको यूज करने के बाद अगर आप बाहर जा रहे हो तो एक सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि इसके बाद आप सनस्क्रीन मत लगाओ, बट यस इसके साथ आपको सनस्क्रीन लगाना है एंड इसके ऊपर आप अपना मेकअप भी इजीली कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन पे लाइक वेलवेट टेक्सचर देता है ना, तो स्किन का जो मेकअप है वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, फ्लॉलेस लगता है आपका मेकअप। तो यार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो अमेजिंग था इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डिटेल रिव्यू आपको देखना है तो आप जाके मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो भी देख सकते हो, बट दोनों का साथ में काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दोनों का साथ में बताइए दीदी कुछ, क्या लिटरली अच्छा है या नहीं है, अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइज, लोरियल के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स मैं बोलूँगी ना, उनमें से ये दोनों मुझे लगे अभी तक। मैंने बहुत सारे इनके सीरम, शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम्स बहुत यूज़ की है, बट इन दोनों ने जितना मुझे इम्प्रेस किया ना उतना अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत सारी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी कर चुकी हूँ, सब यूज़ कर रहे हैं, सबको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है, आप लोग भी ज़रूर से एक बार ट्राई कर लीजिए। प्रोडक्ट्स की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जाके चेकआउट कर लीजिए। सो या गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वन मोर थिंग गाइज, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर से कर देना, मेरे चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।